बात के अंदर में खोले हम गाय काट के बेच रहे हैं, सब्जी के साथ गाय बेचते हैं, आपको मालूम है? मंदिरों के बगल से गाय लटका के बैठा हुआ है हैदराबाद के अंदर में, ये क्या बात करेगा? अगर नेता है, सांसद है, तो उसको देश के कानून का पालन करना चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिवसेना के लोग हैं आप, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देश में जो NRC CA लागू नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसको प्रदेश स्तर पे नहीं, इसको पूरे देश स्तर पे लागू करें। जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश में लागू किया जाए, क्योंकि जनसंख्या किसी एक वर्ग की लगातार बढ़ रही है और आने वाले 50-100 सालों के अंदर में ये बराबरी जो है ना बहुत बिगड़ जाएगी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन दूसरे वर्ग की बढ़ेगी वैसे वैसे देश के अंदर में अव्यवस्था दुर्व्यवस्था फैलेगी। हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था ना फैले, देश हित के लिए, हिंदू हित के लिए ये हम लोग का ये नारा है कि देश को बचाया जाए, और इसके लिए हम लोग ये मांग करने के लिए हम लोग का धरना आज और कल 2 दिन के लिए लागू है। जैसा कि मैंने आपकी मांगों में पढ़ा था कि जनसंख्या नियंत्रण में जो नहीं आता है उसकी नौकरी छीन ली जाए। हाँ बिल्कुल सर, तो आप नौकरी छीनने की बात करें तो आम आदमी करेगा क्या सर? जो लोग 5-5, 8-8 बच्चे पैदा करेंगे उनको नौकरी का अधिकार है क्या? देश का भार बढ़ा रहे हैं, एक पैसा कमा नहीं सकते, बच्चे पाल नहीं सकते, तुम बच्चे पैदा क्यों करोगे? एक ही काम बचेगा तुम्हारे पास में, दूसरा काम करो। अकबरुद्दीन ओवैसी तो बहुत सख्ती से विरोध कर रहा है कि जनसंख्या। अकबरुद्दीन ओवैसी कौन है? वो तो हमेशा देश का भी विरोध करता है, वो उसका तो आदत है, हैदराबाद से बाहर निकलता नहीं। हैदराबाद के अंदर में खोले हम गाय काट के बेच रहे हैं, सब्जी के साथ गाय बेचते हैं, आपको मालूम है? मंदिरों के बगल से गाय लटका के बैठा हुआ है हैदराबाद के अंदर में, ये क्या बात करेगा? अगर नेता है, सांसद है, तो उसको देश के कानून का पालन करना चाहिए। हिंदू अगर गाय को पवित्र मानते हैं तो वहाँ पे गाय काट के क्यों बेचता है? नहीं बेचना चाहिए उसको, उसमें एक तरफा है वो। और वैसे भी आपको बताऊं, हैदराबाद जो स्टेट था ना, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बाद में शामिल हुआ हिंदुस्तान में, और यही लोग उसके सैनिक थे, लड़ने वाले हिंदुस्तान की सेना से, इसके बाप दादा, ये क्या बात करेंगे? ये तो देशद्रोही है। जैसा महबूबा मुफ्ती वैसी अकबरुद्दीन ओवैसी, ओवैसी ओवैसी सारे भाई बंधु। जनसंख्या तो यूँ कहती है ना कि हम तो बच्चे पैदा करेंगे, भारतीय जनता से सवाल कीजिए, वो तो ये कहते हैं हम तो पैदा करेंगे, हमारा है, आप क्या बोलेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं अगर उनको पैदा करना है तो 1 नहीं 25 पैदा करें, लेकिन उनका आधार कार्ड छीन लो, उनका पासबुक बंद कर दो, कोई लोन लेना बंद कर दो, वोटर आईडी छीन लो, इनको देश से जाना बंद कर दो, इनको समझ जो फ्री में सुविधा मिलती है हॉस्पिटल्स में वो बंद कर दो, इनका जीना मुहाल कर दो। पैदा करना तो कर, जितना पैदा कर सकता 25 पैदा कर, अपनी औरत का मार डाल बच्चे पैदा करते करते, लेकिन हमारा ये कहना है तेरे को कोई अधिकार नहीं, तेरा अधिकार छीनेंगे, तेरी बीबी का अधिकार छीनेंगे, तेरा घर परिवार का अधिकार छीनना चाहिए, क्योंकि अगर इन कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा तो देश में कभी ढंग से स्थिति नहीं बने। सर उसका कहना है कि बच्चा अल्लाह की देन है, इस्लाम के जो आप शादीशुदा हो, आपको पता है ना अल्लाह की देन नहीं है। अरे गलत कहते हैं ना भाई, कैसे बच्चा होता है पैदा, हम सबको मालूम है, ये इसकी शादी नहीं, इसको नहीं मालूम है, तुम्हारी हो चुकी, तुमको मालूम है। न्यूज़ में पढ़ा था सर, वो गलत पढ़ा था, वो गलत है, उसका डायलॉग गलत है, उसका कहना गलत है, ये हम कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे थे भाई अल्लाह की देना, हम तो कर रहे हैं, हम ऊपर वाला पालेगा, कहाँ से लाएगा ऊपर वाला? अल्लाह की देना है तो घोड़े का बाल बांध देना चाहिए वहाँ पे, कुछ दिन खून जाना बंद जाएगा, गिर पड़ेगा अल्लाह के देन पटाख से। सर यहाँ पे यह तो प्रोटेस्ट में ये भी चल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम का ये जो चल रहा है इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर पीस पार्टी एक है, पीस पार्टी अनपीस पार्टी है, इन लोगों ने जितना आग फैलाया हुआ है ये बहुत गंदा है, और एक और पार्टी है इंडियन पीपल फ्रंट IPF, इन लोगों ने भी आग लगा के रखा है पूरे देश के अंदर में, ये लोग गरीब मुसलमानों को चंद धार्मिक नारों के साथ उनको जोड़ते हैं। हमारा कहना है कि ये मात्र 10% भी नहीं है, लेकिन 90% मुसलमान ऐसा है जो बेचारा इस टाइप की हरकतें नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि देश में हम एकता शांति से रहें और इज्जत से हम रहना सीख जाएं, वो सारे कानूनों का पालन करना चाहता है। ये 10% लोग ही सारे पंगे पैदा कर रहे हैं, और एक जन पत्थर फेंकता है तो पीछे पूरा मस्जिद फंसता है, ये इन लोग की गलती है, इन लोग को ये लोग संभालेंगे नहीं तो ऐसा स्थिति बनती जाएगी। और हिंदू एक होना चालू हो गया, मैं आपको बताऊं पूरे देश के अंदर में, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के अंदर में अगर चाय बेचने वाला भी मुसलमान है तो लोग चाय पीने नहीं जा रहे, आपको बता रहा हूँ। ये बंटवारा चालू हो गया, और ये बंटवारा बढ़ता जाएगा अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे, अगर इनकी दैनदरी नहीं, ये जीभ से चाट के अगर आपको फल बेचेंगे कौन खाएगा थूक के, ये आप बताओ मेरे को। अब बोलोगे नहीं ये भी कहानी थी, तो अब लोग हिचक गए, वो कहानी होगी लेकिन लोग हिचक गए, हम नहीं खरीदते इनसे, देखते हैं कहीं और लिखा हुआ है मुस्लिम धर्मावलंबी है, नहीं खरीदता, आम आदमी नहीं खरीदता, हमारे बोलने से नहीं, अपने आप नहीं खरीदता। सर ऐसे में नहीं लग रहा है आपको कि हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़क सकता है? दंगा क्यों भड़केगा, सब अलग अलग रहेंगे, हम अलग हैं वो अलग हैं, इज्जत से रहो तुम अपने मोहल्ले में, हम अपने मोहल्ले में, बीच में नहीं आओ कोई, बीच में आओगे तो तुम जवाब दोगे, हम भी जवाब देंगे, लोकतांत्रिक तो लोकतांत्रिक। हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि देश में एक कानून लागू करो सर, तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल वो लिखा है हमारे पर्चे में, पर्चो पढ़ो। लागू नहीं हुआ वो, अलग स्टेट्स में लागू नहीं हुआ, वो चंद स्टेट में हुआ जहाँ जहाँ भाजपा। हमारा कहना है सरकार इसका संसद दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित करे, और पूरे देश के अंदर ही लागू होना चाहिए, ये नियम कानून हमारा लागू रहेगा, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। वैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, हमने ये भी कहा कि जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से आनुपातिक जो धार्मिक स्थल अधिनियम उसको भी लागू करो। धार्मिक स्थल अधिनियम इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इनकी जनसंख्या आज 20 करोड़ है, और 20 करोड़ में 8 लाख
मस्जिदें, तो भैया ये कैसे हो सकता है? हर गली में आप अगर मस्जिद खोल दोगे और वहां पे बाहर के लोग आके नमाज अदा करेंगे तो आप जगह की शांति को अशांति में भंग कर रहे हो। उससे 8 लाख मस्जिदों के बाद भी आप बांद्रा के स्टेशन के सामने में आप रोड पे बैठ के आप धार्मिक अपना नमाज अदा करते हो, कभी कहीं और नमाज अदा करते हो, तो ये क्यों? आपके धार्मिक स्थल वहां जाके करो भाई। हम भी अपने मंदिर जाते हैं, हमको मंदिर जाना होता था और हम लोग तो वैष्णो देवी तक जाते हैं यहाँ से और 200-500 किलोमीटर दूर, तो भाई हम भी रोडों पे थोड़ी बैठे हैं। तो ऐसा सबको ही नियम का पालन करें जो नियम सबके लिए बने, ऐसा हमारा कहना है। ओके सर, धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।